ये अपील्स वाला चैप्टर है, ये बहुत थ्योरेटिकल है। यानी इसमें ना मैं आपको, मैंने जो कल फ्लो बताया था ना, सेम वो फ्लो आपने फॉलो करना है। क्या फ्लो बताया था जी, कि कमिश्नर ना, एक्चुअली मैं बाहर है। आवाज नहीं आ रही। कमिश्नर जो है ना, इसने ये करता है आपके खिलाफ जजमेंट असेसमेंट देता है, राइट। इस असेसमेंट को ना आप चैलेंज कर सकते हैं। पहले कहाँ पे चैलेंज करते हैं? पहले आप लोगों के पास सबसे पहला जो है वो कमिश्नर अपील्स के पास, राइट। G10 में ऑफिस है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। कमिश्नर अपील्स के पास चैलेंज करते हैं। अच्छा, आप कमिश्नर अपील्स, आपने भी आपके खिलाफ फैसला दे दिया, फिर आप किधर करते हैं? फिर आप ATIR में करते हैं, उसको बोलते हैं एपिलेट ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। इसको आप आम जबान में ATIR बोलते हैं। फिर आप ना इधर चैलेंज करते हैं, ठीक है जी। इधर यहां भी आपके खिलाफ फैसला हो गया, फिर आप चैलेंज करते हैं जी हाई कोर्ट में, राइट। हाई कोर्ट ने भी आपके खिलाफ फैसला दे दिया, फिर आप करते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये चार अथॉरिटीज जो है ना, चार लेवल है आपके पास। अच्छा, इसी दौरान ना आप एक और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, वो होती है ADRC, राइट, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। आपका आपका इधर कहीं पे चल रहा केस और फैसला नहीं हो रहा, मतलब आपको पता है ना, कोर्ट कचहरियों के और ट्रिब्यूनल के बड़े लंबे लंबे चक्कर होते हैं। आज आप गए हैं, ये 1 महीने की डेट दे देंगे, फिर 1 महीने बाद आप पहुंचे होंगे, फिर ये 10 मिनट बाद फिर आपको 1 महीने की डेट दे देंगे। यानी ये जलील करते रहते हैं, सीधी जो बात है, यहाँ पे केसेस होते ही नहीं है, चक्कर लगाई जो लगाई जो लगाई जो। इस दौरान क्या हो सकता है, आप ADRC के अंदर भी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये हमने पढ़ी थी, कमेटी होती है जी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। आप इस कमेटी में एप्लीकेशन दे सकते हैं, इसका भी प्रेस्क्राइब फी है और सारा है, और इसमें फैसला जल्दी हो जाता है उसका भी। मेरे ख्याल से 90 डेज है, 120 डेज है, वो नीचे भी टाइम आ जाएगा, उसके अंदर आपका ना जल्दी से फैसला हो जाता है। इसकी थोड़ी फीस ज्यादा होती है, राइट, ठीक है जी। अब हम यस इसका सर। एक बार इसको देख लेते हैं कल। वैसे मैंने इसमें से बहुत सारी बातें पिछले चैप्टर में पढ़ ली हैं, सिर्फ ये दोबारा से ना इसमें समराइज किया हुआ है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि क्यों होते हैं जी, या तो आप टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी से होंगे, ये वो सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा जी, सरकमस्टांसिस कौन से हो सकते हैं, उसने कमिश्नर ने बेस्ट जजमेंट दे दिया है, अमेंडमेंट असेसमेंट में अमेंड कर दिया है, एन ऑर्डर होल्डिंग एन इंडिविजुअल पर्सनली लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड डिडक्टेड बाय हिम और हर हैविंग और हैविंग कलेक्टेड डिडक्टेड फेल्स टू पे द सेम एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग और ट्रीटिंग अ पर्सन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। अच्छा, ये इनका आपने रट्टा लगाना है, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रेक्टिफाई द मिस्टेक आइदर इन फुल और इन पार्ट, एन ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ इनहेंसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग द रिफंड और अदरवाइज इंक्रीजिंग द टैक्स लाइबिलिटी। तो ये वो सारे मामला हैं जिसके अंदर क्या हो सकता है जी, अपील हो सकती है। अपील किधर कर सकते हैं जी, पहले आप कर सकते हैं कमिश्नर अपील्स को, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल को, फिर हाई कोर्ट को, फिर सुप्रीम कोर्ट को। ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADRC इसको बोलते हैं, ये अभी हम देखेंगे क्या होता है। अच्छा, अपील्स कमिश्नर को अपील करने का क्या प्रोसीजर है, वो ये प्रोसीजर है जी। सबसे पहले अपील कौन कर सकता है जी, अच्छा इसमें दोनों बंदे अपील कर सकते हैं, या तो अपील कर सकता है टैक्स वाला भी, एन पर्सन हु इज एग्रीड बाय एन ऑर्डर पास बाय द कमिश्नर ऑफ टैक्स, नहीं इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें सिर्फ कौन अपील कर सकते हैं जी, एग्रीड पर्सन, ठीक है जी, एग्रीड पर्सन जिसको मतलब नुकसान पहुंचा है, जिसको दुख पहुंचा है कमिश्नर के फैसले से, FBR के फैसले से, वो अपील कर सकते हैं, ठीक है जी। और एवरी अपील शैल बी, ये प्रेस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए, प्रेस्क्राइब फी पे होनी चाहिए, और इसके ऊपर प्रिसाइजली ग्राउंड्स लिखे होने चाहिए, राइट। उसके बाद ये आपने इसकी फीस देनी होती है 5,000 रुपये, इन केस ऑफ एनी अदर ऑर्डर फी ऑफ ₹5,000, इन केस ऑफ कंपनी एंड ₹25,000 इन अदर केसेस, राइट। कंपनी के केस में 5,000 और बाकी केसेस में 2,500, ठीक है जी। और उसके बाद द अपील शुड बी फाइल्ड वेयर द अपील रिलेट्स टू एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और अ पेनल्टी विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। अच्छा, 30 दिन के अंदर करनी है जी, जब आपको नोटिस मिलेगा, इन एनी अदर केस, और उसमें भी 30 दिन करनी है इंटीमेशन ऑर्डर के। However, Commissioner appeals may condone the delay in filing of an appeal upon application in writing. Condone किसको बोलते हैं जी? Extension को, right? Time condonation होती है ना, कि वो extension
एक्सेप्ट हो जाती है, ये वो बात लिखी हुई है। इसमें कोई मसला, बिल्कुल थ्योरेटिकल बातें हैं, कोई इसमें टेक्निकल चीज तो है नहीं जिसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल्स करवाता रहूं। प्रोसीजर यस सर। क्या है जी, द कमिश्नर अपील्स शैल गिव नोटिस ऑफ द डे फिक्स फॉर द हेयरिंग। अच्छा ये जब आप अपील करते हैं ना, तो ये आपको हेयरिंग की, मतलब आज अगर बिलफर्ज मैं गया हूँ ना FBR, तो मैंने जाके ना उधर अपील की एप्लीकेशन फाइल कर दी, राइट। कल या परसों क्या होगा, वो मुझे फोन करेंगे और मेरा फोन नंबर लिख लेंगे, कल या परसों मुझे कॉल करके कहेंगे कि जी सर आप लोग ना आ जाएं, आपकी ये वो एक नोटिस इशू करते हैं कि आप ये ना हेयरिंग के लिए आ जाएं, नेक्स्ट वीक आ जाएं, उससे नेक्स्ट वीक आ जाएं। फिर क्या होगा, मैं और यहाँ से मेरा फॉर एग्जाम्पल मैनेजर, हम दोनों उधर चले जाएंगे, वहां जाके हम लोग अपना केस प्रेजेंट करेंगे, राइट। केस प्रेजेंट होगा, वहां पे ना हेयरिंग के रूम्स बने होते हैं FBR के अंदर, आप लोग जब जाएंगे ना तो आप लोग देखेंगे कि वहां पे वीडियो हेयरिंग भी हो रही होती है और वैसे भी हेयरिंग के रूम्स बने होते हैं, तो वहाँ आपकी हेयरिंग होगी, आप उनको अपना केस प्रेजेंट करेंगे, वो आपकी बात सुनेगा, सुन के तो उसके ऊपर एक ऑर्डर दे देगा, राइट। अब जिस तरह हमने कल पढ़ा, अब ये ऑर्डर आ गया, अब ये आपके हक में भी आ सकता है, आपके खिलाफ भी आ सकता है। अगर तो आपके हक में आया तो वेल एंड गुड, खिलाफ आया तो आप इसके ऑर्डर को चैलेंज कर दो उसके अंदर ATIR के अंदर, ठीक है जी। वेयर इन अ पर्टिकुलर केस द कमिश्नर अपील्स ऑफ द ओपिनियन दैट द रिकवरी ऑफ टैक्स लेविड शैल कॉज अनड्यू हार्डशिप टू द टैक्स पेयर ही आफ्टर अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कमिश्नर अगेंस्ट हुज ऑर्डर अपील हैज बीन मेड मे स्टे द रिकवरी ऑफ फर्स्ट टैक्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन एग्रीगेट, ठीक है जी। अगर तो उसको लगता है कि आपके यानी कमिश्नर की तरफ से जाती हुई है और उसने आपके खिलाफ ऊपर अनड्यू वो किया है, बर्डन डाला है, तो फिर कमिश्नर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देता है और क्या कर देता जी, फिर ऑर्डर पास कर देता है, कितने का, 30 दिन का। बात समझ आई। राइट सर। उसके बाद क्या, द कमिश्नर अपील्स आफ्टर अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कमिश्नर अगेंस्ट हुज ऑर्डर अपील हैज बीन मेड मे स्टे द रिकवरी ऑफ सच टैक्स फॉर अ पीरियड फर्दर 30 डेज, प्रोवाइड दैट द ऑर्डर एंड अपील शैल बी पास विद इन द सेट पीरियड ऑफ 30 डेज। पहले 30 डेज के लिए किया, यानी आज अगर उसको वो जो फॉर एग्जाम्पल कमिश्नर ने आपको बोला, यानी टैक्सेशन ऑफिसर ने आपको बोला कि तुम ना 31 दिसंबर के ऊपर क्या करो, टैक्स जमा करो, ठीक है, आपने इसके खिलाफ अपील कर दी, अपील हुई, तो अब ये जो कमिश्नर अपील है ना, ये इसको ना 30 डेज का स्टे दे देगा, यानी ड्यू डेट क्या है, 31 दिसंबर है, ये कब तक इसको स्टे दे देगा, 30 जैन तक, राइट। आप फिर एप्लीकेशन डालोगे फर्दर 30 जैन तक, 30th, फिर जो भी बनता है, 29th, 1 मार्च बनता है मेरे ख्याल से, 30 दिन पे फिर ये आपको दे देता है, फर्स्ट बनता है सर सर। मतलब हर अपील में हमें 30 दिन का टाइम मिलेगा। वो दो केसेस में है, पहले 30 दिन, फर्दर फिर 30 दिन, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता स्टे जो है, राइट सर। इसका फैसला देना होता है, और ये अमूमन हो भी जाता है, 30 दिन के अंदर अंदर हो जाता है ये, ठीक राइट सर। है जी। द कमिश्नर अपील्स में एडजर्न द हेयरिंग ऑफ द अपील फ्रॉम टाइम टू टाइम, द कमिश्नर अपील में देयर फॉर, अच्छा ये इसको एडजर्नमेंट दे जाता है, एडजर्न कर देता है, मतलब आज हेयरिंग हुई है तो अब ये आपको नेक्स्ट एक डेट दे देंगे, यार 2 दिन बाद आ जाओ या 4 दिन बाद आ जाओ, दोबारा आ जाओ, राइट, तो बोलते हैं एडजर्न करना। अच्छा, द कमिश्नर अपील्स में बिफोर द हेयरिंग ऑफ एन अपील अलाउ एन अपीलेंट टू फाइल एनी ग्राउंड ऑफ अपील नॉट सेटिस्फाइड द ग्राउंड्स ऑफ अपील ऑलरेडी फाइल्ड। अच्छा ये अगर एक दफा आपने किया और उसको लगता है कि यार ये तो ग्राउंड्स है नहीं अपील के, तो आपको क्या कहेगा कि आप अगर रिवाइज करना चाहो एप्लीकेशन को, तो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। द कमिश्नर अपील्स में बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील कॉल फॉर सच पर्टिकुलर्स एज द कमिश्नर में, अच्छा ये आपसे कोई मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मांग सकते हैं, बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं, आप उठा के ले जाते हैं उधर। कमिश्नर अपील्स शैल नॉट एडमिट एनी डॉक्यूमेंट्री मटेरियल और एविडेंस विच वॉज नॉट प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर जी। उसके अलावा अगर कोई ये आप कोई ऐसी चीज इसके सामने पेश करते हो, राइट, जो आपने कमिश्नर के सामने नहीं, जिस बंदे ने आपके खिलाफ फैसला दिया ना उसके सामने पेश नहीं की, तो आप फिर ये बंदा नहीं मानेगा उस डॉक्यूमेंट को, ये नहीं मानेगा, प्रोवाइडेड अनलेस प्रोवाइड द कमिश्नर अपील इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सच मटेरियल और एविडेंस बिफोर द कमिश्नर, ठीक है जी। राइट सर। जी आप लोगों को समझ आ रही है,
हाँ जी यस सर। थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन कोशिश करें कि करते हुए ये मतलब करते हुए बोरिंग ही होता है, प्रैक्टिकली भी बोरिंग होती है। अच्छा इन डिस्पोजिंग सर समझ ऑफ नहीं आ रही जी, बस क्या नहीं समझ आ रही। अच्छा सर, ऐसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कहा आपसे पूछ यार इसमें अब क्या, मैं अब आपको इंटरेस्टिंग कैसे बताऊँ, आपको अपनी जलालत के वाकयात सुनाना शुरू करूँ कैसे, जल्दी करते हैं ये ताकि आपको इंटरेस्ट ये पैदा भी हो। बोल सर, सही वैसे इससे बेहतर है वही सुना ले। है यार, नहीं ये खुआरी वाला काम है, ये इतना आसान नहीं है जितना यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये मिठाई रखते हैं, मिठाई रखते हैं, तंग करते हैं ये बहुत, सर सुनते ही नहीं है वैसे कमिश्नर, तो मैंने सुना वही बहुत तंग करते हैं, इतना इजी नहीं होता है। तो ये लिखा हुआ है ना, जब तक पैसे ना खिलाओ ना तब तक ये काम नहीं होते। अच्छा सर, वैसे नहीं आपने खाए हैं। मैंने पर्सनली नहीं खिलाए क्योंकि मैं कभी इस तरह गया नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये अपीलें फाइल करने जाता हूँ, हियरिंग पे मैं कभी नहीं गया। मुझे फॉर्मेलिटी राइट ये सर, डॉक्यूमेंट जमा कराओ, वहां जाके फाइल करो, मैं चला जाता हूँ। तो ये सर हाँ फॉर्म तो देती होगी ना। ये तो करते हैं ना आपके पार्टनर्स देख रहते हैं, या मैनेजर या सीनियर मैनेजर्स वो जाके हियरिंग्स कर रहे होते हैं, ये ट्रेनीज नहीं करते। ऑलराइट सर, ठीक है, डिसीजन इन अपील, इन अपील, इन डिस्पोजिंग ऑफ इन अपील द कमिश्नर अपील्स में मेक एन ऑर्डर टू कंफर्म मॉडिफाई और अनल द असेसमेंट। अच्छा ऑर्डर आफ्टर एग्जामिनिंग सच एविडेंस, जी या तो वो उसको कंफर्म कर देगा या मॉडिफाई करेगा या अनल यानी बिल्कुल ही डिसमिस कर देगा, और आफ्टर एग्जामिनिंग सच एविडेंस एज रिक्वायर्ड बाय हिम रिस्पेक्टिंग द मैटर्स अराइजिंग इन अपील और कॉजिंग सच फर्दर इंक्वायरीज टू बी मेड एज ही डीम्स फिट। ठीक है, और प्रोवाइडेड ऑन बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड और या फिर कोई फर्दर इंक्वायरी। ठीक है जी, और इन एनी अदर केस मेक सच ऑर्डर एज द कमिश्नर अपील्स थिंग्स। ठीक है जी, और ये पिछले वाले की अमाउंट को बढ़ा नहीं सकता अनलेस की कोई रीजनेबल कॉज, यानी ऐसा था कि पहले टैक्सेशन ऑफिसर ने आपके ऊपर लगाया 1 लाख का टैक्स, अब कमिश्नर अपील 2 लाख का नहीं कर देगा या 1,10,000 का नहीं कर देगा, राइट? अनलेस को बहुत ही कोई मतलब, अनलेस द एप्लिकेंट हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट सच इंक्रीज और डिक्रीज एज द केस में भी। ठीक है जी, सर वो कर, सॉरी वो आप कह रहे हैं ना कमिश्नर उसको कर नहीं सकेगा, इसमें तो लिखा नहीं हुआ लास्ट में कि इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकते हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, अनलेस ये भी तो लिखा हुआ है ना कि अनलेस एपिलेंट हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शोइंग कॉज, ये मैंने कहा है ना, इसके बगैर नहीं कर सकता। ऑलराइट सर, बोला पहले आपको शो कॉज नोटिस इशू करता है, यानी ये ऐसे होता है, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। आपने अपील फाइल कर दी, आपने कहा जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे पर इतना टैक्स नहीं भरना चाहिए, उसने कहा ठीक है जी रिकॉर्ड ले आओ, रिकॉर्ड जाके तो पता चला 1 लाख नहीं 1.5 लाख बनता है, तो वो आपको पहले बुलाएगा, कहेगा कि तुमने पहले ये चीजें क्यों छुपाई हैं, राइट? वो शो कॉज देता है आपको, शो कॉज फाइल और राइट उसके बेसिस पे फिर ये इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक सर, है जी, अच्छा वेयर एन अपील एज द रिजल्ट ऑफ एन अपील एनी चेंज इन द मेड एनी चेंज इज मेड इन द असेसमेंट ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ न्यू असेसमेंट ऑफ एन एओपी इज ऑर्डर टू बी मेड द कमिश्नर अपील्स में ऑथोराइज द कमिश्नर टू अमेंड अकॉर्डिंगली एनी असेसमेंट ऑर्डर मेड ऑन अ मेंबर ऑफ एन एओपी एंड द टाइम लिमिट शेल नॉट अप्लाई टू द मेकिंग ऑफ सच अमेंडेड असेसमेंट। जी अगर किसी एओपी की असेसमेंट में अमेंडमेंट करनी है, राइट, एओपी के कोई असेसमेंट थे उसमें अमेंडमेंट करनी है, तो फिर जिस तरह से कमिश्नर अपील कहते हैं ना वैसे करना होता है आपने, जो कमिश्नर है उसने, राइट? ऑलराइट सर, ये इसके ऊपर इसके ऑर्डर में लिखा होता है कि यार आपने इसको इस डेट तक असेसमेंट करनी है और इस डेट तक। इसमें फिर वो जो हमने सेक्शन 122 में पढ़ी थी ना, वो बातें कि वो 5 साल और 1 साल वाली वो कहानियां फिर नहीं करनी। अच्छा एज सून एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर दिस, आप लोगों को हमजल भाई समझ आ रहे हैं, मिस साहब को समझ आ रहे हैं जी यस या ऊपर से जा रहा है? सर, चले जी, आ रहा है तो एज सून एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर डिसाइडिंग एन अपील द कमिश्नर अपील शैल स्पेसिफाई इन द ऑर्डर द, ये आपको नीचे मैसेजेस तो नहीं नजर आ रहे जो मुझे आ रहे हैं व्हाट्सएप पे? ठीक नो सर, जी है, सर हम पढ़े।
स्पेसिफाई नहीं, मतलब मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है ना, तो मुझे लग रहा है उसमें ना रिकॉर्ड हो रही है। चल स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स नो सर, एंड नहीं आ रहे। सर्व हिज ऑर्डर ऑन द एपेलेंट एंड द कमिश्नर प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डर शैल बी पास नॉट लेटर देन 120 डेज। जे मैंने वो पता 120 दिन का टाइम होता है इसके पास फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग और विद इन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 60 डेज फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द कमिश्नर अपील। और ये फर्दर कितना एक्सटेंड हो सकता है? 60 दिन। अच्छा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हेयरिंग ऑफ एन अपील इज एडजर्न एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एपेलेंट और इज पोस्टपोन्ड ड्यू टू एन अपील एनी अपील और प्रोसीडिंग और स्टे ऑर्डर। यानी अगर वो EDRC वगैरह में कहीं पे मामला चल रहा है, रिमांड और अल्टरनेटिव जी यहाँ पे नीचे लिखा भी है, EDRC में प्रोसीडिंग्स और फॉर एनी अदर रीजन शैल बी एक्सक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ द फोर्स अफोर मेंशन पीरियड। ठीक है जी, यानी क्या सीन होता है जी, आपने कमिश्नर अपील को, आपने इसके दरबार में अपील की, इसके ऑफिस में आपने अपील की कि हमारा ये केस है, वो क्या करेगा, वो 120 दिन के अंदर ना फैसला दे देगा जिस दिन से आपने फाइल की है। और फर्दर क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है 60 दिन, यानी टोटल 180 दिन का टाइम ले सकता है ये। ठीक है, अगर इस दौरान आप चले गए EDRC या कोर्ट में, कोई और फैसला आपके खिलाफ, कोई और केस चल रहा है और उसकी वजह से कुछ स्टे ऑर्डर आया हुआ है, राइट, फिर वो जो टाइम है ना जिसकी वजह से स्टे ऑर्डर या EDRC की वजह से मामला रुक रहा है, वो 120 दिन के अंदर शामिल नहीं होगा, राइट। चले जी आगे। अच्छा, अगला जो फॉरम होता है वो आपके पास होता है एपीलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, एपीलेट ट्रिब्यूनल इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर। इसका ऑफिस यहाँ आपको नजर आ जाएगा, G6 में है, F6 में, सॉरी, जस्टिस एंड, अच्छा ये किसके अंडर होता है जी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड देयर फॉर एंजॉयज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द बोर्ड एंड असेसमेंट मशीनरी। ठीक है जी, यानी ये किसके अंडर आ रहा होता है, ये हुकूमत के अंदर अंडर आ रहा होता है, FBR के अंडर नहीं आ रहा होता। अच्छा, एपलेट ट्रिब्यूनल शेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड सच अदर जुडिशियल अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंट मेंबर्स एज आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैविंग रिगार्ड टू द नीड्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है जी, इसके अंदर कौन होते हैं, जज होते हैं, उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। अच्छा, अ पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल इफ द पर्सन हैज एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। वो डिस्ट्रिक्ट जज हो या और क्वालिफाई करता हो किसके लिए, हाई कोर्ट के जज के लिए, या फिर एडवोकेट हो हाई कोर्ट का और जज बनना चाहता हो हाई कोर्ट का, यानी उसके लिए क्वालिफाइड हो हाई कोर्ट के जज के लिए। ठीक है जी, अ पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज एन अकाउंटेंट मेंबर ऑफ एन एपेलेट ट्रिब्यूनल इफ ही हैज द इफ ही इज एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर। अच्छा, उसके अलावा चीफ कमिश्नर हो सकता है जी, और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स हैविंग एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस एज अ कमिश्नर और कलेक्टर, राइट, और अ पर्सन हु फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 years प्रैक्टिस प्रोफेशनली एज चार्टर्ड अकाउंटेंट और या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जी, इसकी कंपोजिशन में कोई मसला? जी, किसी को कोई मसला यहाँ तक? नो सर, आसान सी नो बात सर, थी। अच्छा, इसके ना आपने रट्टा लगाना है कि क्वालिफिकेशंस का, और इनका आपको इसके रट्टा लगाना है, पेपर में पूछता है ये। अच्छा, द फेडरल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ मेंबर ऑफ एन एपेलेट ट्रिब्यूनल एज चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेस द पर्सन अपॉइंटेड शुड बी जुडिशियल मेंबर। ठीक है जी, चेयरपर्सन कौन होगा, जुडिशियल मेंबर, यानी वो जो जज था ना हाई कोर्ट का या उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज था और हाई कोर्ट का जज बनना चाहता, क्वालिफाइड था या फिर एडवोकेट था, राइट, तो वो चेयरपर्सन होगा। और अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है तो फिर क्या होगा, जुडिशियल के अलावा कोई नॉन जुडिशियल पर्सन भी हो सकता है जो अपने ऊपर चार पड़े। अच्छा, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय एंड डिस्चार्ज बाय बेंचेस कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल बाय बाय द चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है जी, चेयरपर्सन साहब जो है ना वो उसको हेड कर रहे होंगे और उसकी सारी पावर्स और वो जो कुछ होगा चेयरपर्सन जो है उसको कर रहा होगा हेड। अच्छा, बेंच शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, दो मेंबर से कम नहीं होगा, एंड शैल बी कंस्टिट्यूटेड सो एज टू कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ जुडिशियल एंड अकाउंटेंट मेंबर्स
or so that the number of members of one class does not exceed the number of members of the other class by more than one. जी इसमें कोई मसला? आसान सी बात है, अभी तो समझ आ रही है. अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट में डायरेक्ट ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ एप्लेट ट्रिब्यूनल टू बी एक्सरसाइज बाय एनी वन मेंबर और मोर देन वन मेंबर जॉइंटली और सेवरली. अच्छा ठीक है, द चेयरपर्सन और अदर पर्सन ऑफ द इन दिस ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द चेयरपर्सन मे सिटिंग सिंगली डिस्पोज ऑफ एनी केस. अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चेयरपर्सन साहब खुद अवेलेबल नहीं है या पूरा पैनल नहीं बैठता, तो फिर एक बंदे को ऑथराइज कर सकते हैं ऐसे केसेस को जिनके अंदर जो है वो 1 मिलियन से कम का मामला हो, राइट, पेनल्टी हो, टैक्स हो, कुछ भी हो, रिफंड इशू हो. इफ द मेंबर्स ऑफ अ बेंच डिफर इन ओपिनियन और ऑन एनी पॉइंट द पॉइंट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी, राइट. अच्छा, इफ द मेंबर्स ऑफ अ बेंच आर इक्वली डिवाइडेड ऑन एनी वन पॉइंट दे शैल स्टेट द state the point on which they differ and the case shall be referred by the chairperson for hearing on that point by one or more other members of the appellate tribunal, right. agar ek koi committee baithi hui hai aur uska unke darmiyan wo ho gaya, yani aadhe bande idhar ho gaye aadhe idhar ho gaye, to fir ye dusri taraf refer kar diya jata hai. and the point shall be decided according to the opinion of the majority of the members of the tribunal who have heard the case including those who first heard. theek hai ji, koi masla isme? अच्छा, इफ दे, अच्छा ये भी, अच्छा अगर फिर भी मामला ना हल हो रहा हो फिर क्या होता है? फिर फेडरल गवर्नमेंट ना एक एडिशनल मेंबर क्या कर देती है, अपॉइंट कर देती है, ताकि वो फिर वो जिस तरफ होगा ना उसका कास्टिंग वोट होता है, वो जिस तरफ होगा फिर उस तरफ का फैसला मान लिया जाता है. द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव द पावर टू रेगुलेट. जी पावर होती है, उसमें कुछ बताने वाला नहीं है. अच्छा, ये अपील आपने फाइल करनी है कमिश्नर अपील्स के बाद. अच्छा, इसमें दोनों कर सकते हैं, यानी एग्रीड पार्टी भी, यानी टैक्स पेयर भी और कमिश्नर भी, राइट, जिसके खिलाफ भी कमिश्नर अपील ने फैसला दिया हो, ये दोनों कर सकते हैं. प्रेस्क्राइब फॉर्म, प्रेस्क्राइब 5,000, 2,500, 60 दिन का इनके पास टाइम है, यानी उसके अंदर अंदर कर सकते हैं. और इसमें 6 कॉपियां लगाई जाती हैं, ये तो काफी, ये 180 दिन का टाइम देगा और रिकवरी ऑफ, और ये कितने का स्टे ऑर्डर दे सकता है जी? ऊपर 30 दिन का था ना, ये 180 दिन का दे सकता है, राइट. और फर्दर फिर 180 दिन का क्या कर सकता है, वो कर सकता है. तो टोटल 180 दिन है जी. जी जी बिल्कुल, 180 दिन का एक्सटेंड कर सकता है. ठीक है जी, ये ऊपर और इनके नीचे दरमियान डिफरेंस है. कोई मसला यहाँ तक? कोई इशू है? चले आगे. ये कहानी है, आप लोग सुनते जाए. अच्छा, ये वो पर्टिकुलर मांग सकता है जो हमने ऊपर पढ़ा था सारा, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके अलावा विल डिसाइड द अपील विद इन 6 मंथ. इसके पास 6 महीने का टाइम, ऊपर कितना था जी? 120 दिन था, यहाँ पे कितना टाइम है जी? 6 महीने का टाइम. और ये भी एनाइल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या फिर अफर्म कर सकता है, यानी कन्फर्म कर सकता है. और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके अलावा वही एओपी वाली बात थी, बाकी तो मेरे ख्याल से सेम और कोई फर्क नहीं है. ये वो है जो अभी हम नीचे केस पढ़ने जा रहे हैं जी. यहाँ तक कोई मसला परेशानी है ये? अब आपके पास हाई कोर्ट का है. अब इसके अंदर ना हर केस नहीं चैलेंज होता, इसके अंदर कुछ खास केसेस अभी हम पढ़ेंगे, वो देखते हैं, उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ जिनके ऊपर अराइज होता है. अच्छा जी, ये देखते हैं. अच्छा, अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी फैसला आपके खिलाफ आ गया या कमिश्नर के खिलाफ आ गया, अब ये वो कहाँ जा सकता है जी? हाई कोर्ट के अंदर जा सकता है. द टैक्स पेयर और द कमिश्नर ये कर सकता है जी, जो भी पार्टी अग्रीव्ड है, विद इन 90 डेज. ऊपर 60 दिन का टाइम था, इधर कितना है जी? पहले 30 दिन का, फिर 60 का, और फिर 90 डेज का, राइट. इधर 90 दिन का टाइम है. और अच्छा, इसके ऊपर ना क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, कल भी बात आई थी, मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताई थी. क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है?
जी टीवी तो देखते ही होंगे आप, खबरें शबरें सुनते होंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ का जी पता सर। क्या होता है? नो सर। वो अक्सर आपने सुना था कि वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, हाई कोर्ट के जज की खबर चल रही थी कि ये अपील काबिले समाअत करार, ये अपील काबिले समाअत नहीं करार, खारिज कर दी गई। सुनते हैं ये बात? सर न्यूज़ नहीं सुनता मैं। न्यूज नहीं सुनते आप लोग, बाकी सुनते हैं? मिस आवाज डाउन लग रही है, मिस खैरियत है, नहीं समझ आ रहा। सर उनका क्लास में है उनका इंटरनेट चला गया मेरे ख्याल से, बोर हो गए ना, उन्होंने बंद कर दिया। एक पेज रहेगा मेरे ख्याल से। सर, वैसे एक बात है, वो ना सर कल इनको मेरी तरफ बुला लेना दोनों को, यार देख लो आपस में फैसला कर मैं लो। दरअसल मैं इसलिए नहीं बोला सर, नहीं वो हमने तो MFA और वो भी पढ़नी है ना, ऑडिट भी, या आप उनमें से भी वो पढ़ना है, तो ये लोग फाड़ के निकल जाएंगे हम। फैसला कर लें आप, फैसला कर लें आप। उनका इंटरनेट सर चला गया। पूछ लें, असल में मैंने इसलिए नहीं बोला, वो हाँ लेडीज है ना, तो आने जाने का इश्यू ना हो। हाँ मुझे लगता है होगा तभी उन्होंने, मैंने उनको वैसे उस दिन बोला था कि आपकी तरफ कर ले। मेरे ख्याल से बाकी बात सर आप तो पूछ लेना ना कि हमने दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो हम अब ऐसा नहीं उनके कर घर सकते, तो अच्छा नहीं लगेगा। हम फिर ऐसा नहीं कर सकते कि MFA और जो आपका है ऑडिट वो कल रात को रख ले 9 साढ़े 9 के बाद, और परसों फिर मैं आ जाऊँ आपकी तरफ दोबारा फिजिकली MFA एंड ऑडिट के लिए। ऐसे कर लें सर, कोई इशू नहीं। लेकिन ये है कि आप फिजिकली मुझे नहीं लगता इतना इफेक्टिवली पढ़ पाते हो, क्योंकि आधी चीजें समझ ही नहीं आती है आपको। मतलब वो जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आधा चैप्टर, या वो उधर पूरे दिन में एक ही चैप्टर होता है, यानी बहुत स्लो होते हैं। कहने का मकसद कम्युनिकेशन सर प्रोसेस बहुत स्लो है। क्या इधर हाँ, ही तो करना होता है। करें यार, सवाल पूछ ले करे, सवाल से तो मुझे कभी कोई चिड़ नहीं होती, लेकिन मुझे चिड़ सिर्फ इस चीज से होती है कि पहले बताई हुई चीज गलत बताते हैं और पढ़ते नहीं है, उससे मुझे चिड़ होती है। सवाल पूछे तो कभी चिड़ नहीं हुई। राइट सर। नहीं सर अभी तो पढ़ने से आगे और या मुझे सर देखने, अब तो लीव मसला कर कोई दें, नहीं है, बेशक मैं उनसे पूछ। तकरीर नहीं कर, वो तो उनका नेट चला गया। राइट सर, नेट चला गया मेरे सर ख्याल देख लें, से। उनसे उनसे पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर हम अभी दूसरी क्लास रख लेते हैं। हाँ उनका मेरे ख्याल से नेट चला गया, हम फिर MFA ऑडिट हमने पूरे वीक नहीं पढ़ा, वो पढ़ते हैं। ऑडिट पढ़ लेते हैं, क्योंकि सर मेरे मोबाइल की चार्जिंग कम है, और मैं ना इधर वो कजन के पास, इधर ही कब्रिस्तान के पास ही रुक गया था। वो टैब नहीं है पास, नहीं, सर अब फिर क्या करना है, आप घर सर जाओगे फिर दोबारा स्टार्ट करना है? नहीं नहीं सर, मैं इधर ही वो ले रहा हूँ ना क्लास, 27% है, एक बस ठीक क्लास है, और हो फिर जाएगी, FR करते हैं, फिर FR करूँ, ऑडिट करते हैं, ऑडिट एंड MFA कर। ऑडिट ठीक, ओके ओके, बाय। राइट सर, ओके सर।